जिंदगी की राहों में जो कभी संघर्षों से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह रहा उसका, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको रिजल्ट पाना है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। पर संघर्ष से कहीं ज्यादा मायने रखता है वे ऑफ डीलिंग प्रॉब्लम, कैसे आप प्रॉब्लम को डील करते हैं, कैसा है आपका एटीट्यूड, ये आपके रिजल्ट को बहुत हद तक बदल देता है। आपके पास सेम रिसोर्सेस है, सेम टाइम है, पर आपका रिजल्ट बदल जाएगा अगर आपका एटीट्यूड अलग है। तो आइए इसको समझते हैं क्लासिक एग्जाम्पल से। 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई थी, पूरे देश में खुशी का लहर था, पूरे वर्ल्ड को लगता था एक नया वर्ल्ड चैंपियन हमें मिला है इंडिया। ये तो इतनी स्ट्रांग टीम भी नहीं थी, पर इसने कैसे कर लिया, ये पूरा वर्ल्ड इस चीज को लेके सोच में पड़ा था। जो कि और ओपोनेंट टीम जिसको उन्होंने हराया था, वेस्ट इंडीज पहले से ही टॉप की टीम थी, कई बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि इंडिया से तो मैं जीत ही जाऊंगा, इसीलिए उसने फाइनल्स को हल्के में लिया था। उसका एक अलग ही एटीट्यूड था गेम को लेकर इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उसे इंडिया को इतना स्ट्रांग नहीं समझते थे। पर कपिल देव के कैच ने पूरे मैच को बदल दिया था। पर हमें यह समझना है कि जब इंडिया जीत के आई 1983 में, पूरे देश में वाहवाही हो रही थी, बीसीसीआई ने अवार्ड दिया, अलग अलग स्टेट्स ने अवार्ड दिया, सारे प्लेयर रातों रात स्टार्स बन गए हमारे, मेहनत भी किया था उन्होंने, पहली बार हमारे देश में वर्ल्ड कप आया था। पर एक चीज उसके बाद वेस्टइंडीज को हमेशा खलती रही कि इंडिया जैसी टीम से हार जाना उसके लिए, उनके टीम के लिए ये वो सोने नहीं देती थी, उसको चैन से नींद नहीं आती थी उनके टीम को। उन्होंने बीसीसीआई को लेटर लिखा और बोला कि इंडिया में हम रखेंगे अगला 6 वनडे 6 टेस्ट मैच और हम इंडिया से खेलना चाहते हैं, इसका प्रपोजल दिया और प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, आगे चल के मैच हुआ इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज का, 6 वनडे और 6 टेस्ट का मैच हुआ। अब इंडिया तो जीती थी, खुशी का खुमार था हमारे अंदर, एटीट्यूड भी अलग था। वो वेस्ट इंडीज आई अपना बदला लेने के लिए, वेस्ट इंडीज जब आई बदला लेने के लिए, उसने इंडिया के पिच पे खेला और 6 वनडे में से 6 जीत गई। तब पूरी दुनिया को ये लगने लगा कि अच्छा, इंडिया अपने मेहनत के दम पे नहीं वर्ल्ड कप जीती थी, ये बाय लक जीती थी, जो कि वेस्ट इंडीज कहती थी, इंडिया के अंदर कोई टैलेंट नहीं था। तो फिर टेस्ट मैच की बारी आई, टेस्ट मैच भी 3 टेस्ट मैच जो था वो जीत चुका था वेस्ट इंडीज, अब 3 बचे थे टेस्ट मैच। अब जब ऐसा सिचुएशन आया तो इंडियन टीम के जो प्लेयर्स थे उनकी काउंसलिंग कराई गई, उनसे बात किया गया, अलग अलग सेक्रेटरी का काउंसलिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप क्यों हार रहे हैं, आपके अंदर बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बैट्समैन है, सब कुछ है, आप इतने सक्षम है, फिर भी क्यों हार रहे हैं। तो अलग अलग जब आपको टीम के प्लेयर को काउंसलिंग की गई, तो उस समय गावस्कर की काउंसलिंग की गई, गावस्कर ओपनिंग लेते थे, ठीक है, उनसे बोला गया कि आप अपने एटीट्यूड को बदलिए, आप अगर डिफेंस खेलते हैं हमेशा, हमेशा आप रोक के खेलते हैं, आपको हमेशा अटैकिंग खेलना है, पहले ही ओवर से मार के खेलिए, क्योंकि आप जैसा खेलेंगे बाकी टीम के लोग ऐसा खेलेंगे, तो अपने एटीट्यूड को आपको बदलना है पिच के अनुसार, मैच के अनुसार। आने वाले टेस्ट मैच थे 3, और वही गावस्कर ने अपने एटीट्यूड को बदला और उसने पहले ही ओवर से अटैकिंग खेला और पहले ओवर में 4 चौके मारे। हाँ, हालांकि हम वो सीरीज हारे पूरा वनडे और टेस्ट सीरीज का, पर 3 मैच आने वाले इंडिया ने जीत गए। कैसे जीता वो गावस्कर के, सिर्फ और सिर्फ एक एटीट्यूड के बदलने से। इस कहानी मोरल ऑफ द स्टोरी हमें ये मिलती है बच्चों, उस समय के टॉप बॉलर मार्शल के बॉल पे एक ओवर में उन्होंने 6 बॉल में 4 चौका पहले ही ओवर में मारा था गावस्कर ने। तो अचानक से ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि गावस्कर ने अपने प्लेइंग एटीट्यूड में चेंज लाया। तो आप भी अगर मेहनत कर रहे हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि आपको अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाने हैं, सोचने के तरीके में चेंजेस लाने हैं। एटीट्यूड ही आपका डिसाइड करता है कि आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं। वही रिसोर्सेस थी, वही पिच थी, वही क्रिकेट थी, पर रिजल्ट बदल गया क्योंकि गावस्कर का एटीट्यूड बदल गया। तो आज से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे। अगर आपका एग्जाम 2 घंटे 3 घंटे का है तो उसको टारगेट बना के उस तरीके से तैयारी को करेंगे। जैसी आपकी पिच है, जैसा आपका एग्जाम है, उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे फॉर्मेट में आप खेलेंगे। अब बोर्ड का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है, और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का तात्पर्य नहीं बनता है। तो हमेशा जैसा पिच, जैसा वो, वैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों तक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा, अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे मैं लाते रहूंगा। ऑल द बेस्ट, बी मोटिवेटेड।